अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है परसों सुबह से, बिकॉज़ आज मेरा जिस दिन में वह सुबह करी मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। बिजी तो थोड़ी और थोड़ी टेंशन वगैरह थी, इसलिए कोई एडिट नहीं कर सकी। जो मैंने साग बनाया था ना, उसका मैंने एक पराठा बनाया, हस्बैंड को दिया, और मैंने खुद में जस्ट खुश्क रोटी खा लेती हूँ साथ साथ। मुझे पराठा नहीं पसंद, इतनी बहुत कम खाती हूँ। फिर दिन को ही बचा, फिर मैंने भी दिन को फिर सारे पराठा खा रहे, तो फिर मैंने भी ये पराठा किया। मैं जो आगे क्लिप शेयर करूँगी दिन के, मेरी सिस्टर ने माशाल्लाह मुझे बना के दिया। सही है नहीं, मेरी सिस्टर हर काम खा लेती हैं, बट वैसे ही मैं मिली हुई हूँ ना, इसलिए शायद नहीं करती। अरे अभी ना मैं आपके साथ दिन का क्लिप कोई भी शेयर नहीं करी। रात को मैंने एक रेसिपी बनाई थी जिसे शलजम मटर कहते हैं। हमारे घर में कोई भी नहीं था खाता, मेरी शादी से पहले भी कोई भी नहीं था खाता, शादी के बाद भी कोई भी नहीं खाता, बट ये मैंने अपने ससुराल में सीखे थे। ऐसे मेरी सास बनाती थी, तो फिर मैंने उन्हें देख के फिर मैं ऐसे बनाती हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं, हमारे घर में ये बनते तो नहीं थे। मैंने जब वो खाए तो मुझे इतने पसंद है, फिर मैंने इधर भी आज फर्स्ट टाइम मैंने हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। और ये अभी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है उसे थोड़ा सा गर्म, फिर मैंने प्याज डाली है, और उसके बाद फिर मेरे पास अदरक लहसुन तो उसका पेस्ट डाला, और साथ फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। वो जो पुरानी आंटियाँ बैठी थी ना चूल्हे पे, वो यहीं बैठी है, सबको काटती हैं डाल, मैं भी ऐसी ही हूँ। लेकिन साथ साथ मुझे ना सफाई का बड़ा वो पड़ता है, दौड़ा पड़ता है एक तरीके का। मैं साथ साथ ये हाथ में रखती हूँ, फिर चूल्हा नहीं मैं गंदा रख देती हूँ, साथ साथ मैं बर्तन भी वॉश करती हूँ। आपकी अपनी मर्जी, आप जितने मर्जी मसाले डालें, मेरी जो मर्जी, मैंने ऐसे डाल दिए। मैंने हल्दी डाली, कुटी हुई मिर्च डाली और नमक डाला, और साथ मैंने धनिया पाउडर डाला, और मैंने ना थोड़ी सी, मैं सुस्त हूँ ना, गर्म मसाला मैंने पीस के नहीं रखा हुआ, रमज़ान में बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए। तो फिर मैंने ऐसे ही डाल दिया फ्राई फ्राई करने से पहले, बाद में वो डाला बट ऐसे ना वो बहुत थोड़ा डाला था। उसके बाद मैंने मटर डाली, मैंने कहा ये थोड़ा टाइम लेंगे, बट नहीं, ये टाइम नहीं लेते, मेरी गलती थी, टाइम नहीं लेते। आजकल से अच्छे फ्रेश है ना, तो फ्रेश सब्ज़ी तो इतनी टाइम लेती नहीं, कोई सब्ज़ी टाइम नहीं लेती। फिर मैंने डाला, मैं थोड़े से भुने मैंने, बिकॉज़ मटर में मसाला डाल दिया। मुझे ना हर आंटी का नहीं मसाले बड़े पसंद है, एज़ कम्पेयर टू इस पानी डाल दिया, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ऐसे और मटर वाला ये वाला मसाला मुझे खाते ज़्यादा मज़ा आता है। एंड सेकेंडली अब मैं इसमें डाल रही हूँ ना, ये जो शलजम मैंने काटे थे ये ऐसे ही डाल दूँगी। अब ना एक ट्विस्ट लाऊंगी इसमें, जो मैंने भी जो पहली बार बनाया था, मैंने जब ये डाला, मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो मेरे को नहीं, हाँ जो हांडी है वो मीठी हो जाएगी, और ये नहीं सही बने। फिर मैंने डाल लिया कि शायद कोई तो स्किप आउट, कोई तो इसका सीन होगा ना, तो इसमें ना ये शलजम को ना ठीक करने के लिए ना, इसमें देखें शुगर डाली है मैंने, शुगर डालते हैं 2 टीस्पून, और यकीन से हद से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो गया था, और कोई मीठा कोई कुछ नहीं था हुआ, और हद से ज़्यादा मज़े को बना था। अब मैं इसके ना इस टाइम पे इतनी बुनाई करूँगी कि ये जो कलर है ना हल्दी के, सारे इनके ऊपर लग जाए। जब ये सही था फिर मैंने इसे ना 5 मिनट 10 मिनट का दे के ना दम दूँगी, दम देने से ना ये जो होंगे ना ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसे ना पेस्ट बना लूँगी, ऐसे ही आगे मैं नहीं दिखा सकी, बिकॉज़ ये देखिए मैंने बना लिया ऐसे, मैंने इसे गोटा लगाया ना कि मैंने ना इसका पेस्ट बना दिया। मटर को कुछ नहीं था हुआ, ये मैंने ना अपने गार्डन से धनिया काटा था, साथ मैंने वो जो प्याज लगी थी हरी, वो लहसुन थोड़ा सब जो लगा हुआ ऊपर, बहुत मज़े का। ये देखिए मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ऐसे, कोई मुझसे काम नहीं था मेरा, बिकॉज थकी होती है पूरे दिन काम करके, तो फिर थोड़ा मकाना पड़ता है काम को। उसके बाद ये देखिए कितने मज़े का बनता है, हद से ज़्यादा मज़े का बनना था, और ये जो हमने शुगर डाली थी ना इसमें, इसमें ट्विस्ट आया था, बहुत मज़े का बनता, खट्टा मीठा और थोड़ी सी मिर्च भी थी, और बहुत इजी और बहुत ही प्यारी रेसिपी है ये। उसके बाद मैं आपके साथ में सुबह का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मैं एग बॉइल कर रही थी कि पापा के लिए, उसे अच्छा ही बनाने लगी थी, मेरे बर्तन जस्ट जितने पड़े थे बिकॉज मैं रात को सारे वॉश कर गई थी। उसके बाद ना अभी मैं पराठे बनाने लगी थी आपके साथ, तो मैंने बहुत से तरीके शेयर किए,
मैंने कहा क्या शेयर करना, कैसे पराठे बनाना, सीधे बना दीजिए। उसके बाद हमने मुर्गियाँ रखी, उनके लिए भी रोटी बनानी होती है, वो बनाइए। देखिए सब क्लीन आउट भी कर दिया मैंने, पापा का नाश्ता रेडी किया, उसके बाद ये अपनी चाय नहाई और नाश्ता वगैरह किया, आपके साथ नहीं शेयर किया। और ये हादिया देखें क्या बनी हुई है, माशाल्लाह इसे शौक है दुपट्टा करने का। देखें यार इतनी छोटी सी उम्र में ही ऐसी वो चादर पड़ी थी, तो ऐसे दुपट्टा जैसे करते हैं ना, बड़ी बाजियाँ ऐसे करके घूम रही थी। मैंने कहा चलिए इसका क्लिप भी बना लेते हैं आज ना, आपको इस मैं वीडियो में आप क्रश भी दिखाऊंगी। देखें जब ये नियाज आई थी वो खा रही थी, और ये मेरे हस्बैंड हस्बैंड जी कह रहे थे आओ चलें, वो शवारमा किसी भी शवारमा अगर कुछ पसंद, मुझे शवारमा पसंद है, इसका बेटर तो ना पिज़्ज़ा मुझे पसंद है ना जिंगर, जस्ट शवारमा पसंद है मुझे। बट मेरे हस्बैंड को जिंगर पसंद है। अभी हमारे घर के पास ही आई थिंक सो चिट चैट इसका नाम है कैफे, बहुत मज़े का इनका शवारमा है। और तो कुछ नहीं है, जस्ट जो लहसुन होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। जो आप भी कहेंगे कि शवारमे में किधर से लहसुन होता है, लहसुन नहीं, वो जब उसका वो जो मीट होता है ना, उसके अंदर चिकन वो बनाते हैं ना, उसे थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन डाल के ना तो उसे बनते हैं, तो इसलिए उस मीट में ना लहसुन का टेस्ट ज़्यादा होता है। मुझे लहसुन का टेस्ट अच्छा लगता है। ये कह रहे थे जो मर्ज़ी मंगवा लो आज, मुझे कलिया भरते, बट मैंने नहीं मंगवाया। और जब तक वो ऑर्डर तैयार होता है तो कुछ नहीं था, वो टाइम लग गया काफ़ी, 10 to 12 मिनट। इस लड़की ने इतना तंग किया, आप भी कहेंगे क्या गंदी कर वो लेके गई है, नहीं एकदम से वैसे ही प्लान बन गया, तो जैसी थी वैसे ही हस्बैंड लेगी साथ। और ये जिसने बहुत तंग किया, लास्ट पे यही ऑप्शन था कि इसे उस तरफ दीवार वाली साइड पे बिठा गए, इसे ना बंद कर दिए। उसके बाद ये देखिए शवारमा कितने मजे के। और इसके बाद ये एक बर्गर पॉइंट था सिस्टर्स के लिए, बर्गर लेके आए, और साथ मैंने थोड़े से बिस्किट लिए थे। और यार उसके बाद ये जो राइस है ना, ये मेरे हस्बैंड ने बनाए थे। और इन दिनों मुझे छुट्टी मिली हुई है, बहुत टेस्टी है। और ये सुबह का दिखा रही हूँ कि मैंने क्लीनिंग करनी थी, क्लीन कितना ज़्यादा करने के लिए था, अकेली होती हूँ। और ये कहेंगे देखिए ये फिर चावल, चावल पे चावल ही दिन को, फिर मेरे हस्बैंड पता नहीं किधर से लेके आए थे, हद से ज़्यादा मज़े के थे ये वाले भी चावल। और ये कह रहे ना क्रश, हमें ना दिन रात सुबह 24 घंटे भी चावल दें हम रेडी। और ये कपड़े वाश के थे, उसके बाद पता नहीं मोटर को क्या हुआ था, ऐसे पानी देने लग पड़ी थी, अजीब सीन हुआ था। फिर माशाल्लाह 2 घंटे लगे तो फिर जाके साफ हुआ। और ये हमने वहाँ पर बनाए थे, ये तो जो व्लॉग देखते हैं वो कहेंगे कि पागल है, इनके पीछे बचपन से ही पागल हैं। और उसके बाद ये मैं दिखा रही थी जो कपड़े ये थे ना, अब धूप आज निकली थी तो फिलहाल। उसके बाद मैंने चादरें वॉश की, बिकॉज मैंने सारे कमरों की क्लीन अप की थी। उसके बाद वैसे दिल गया, वैसे तो हम दूसरी सिवैयाँ खाते हैं बट ये वाले खाने का दिल गया, और ये दूध वाली। तो वैसे जो हमारे व्लॉग्स दिखते हैं उन्हें पता होगा कि हम ये वाली नहीं खाते, हम दूसरी वाली खाते। ऐसे मैं डिफरेंट तरीके से बना रही थी आज, अच्छी बन की थी ये, बट मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेरे टेस्ट बड जो टाइप के, बाकी सब अच्छी लगी थी। मैंने घी डाला, उसके बाद इलायची डाली बिकॉज इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद इसे भुना, थोड़ा सा डाला था मैंने ऑयल, इतना भी नहीं डाला कि दूध में जस्ट ऑयल ही नज़र आए। इसे भुना जब, उसके बाद दूध डाला और शुगर डाल दी। और अब इसे थोड़ा सा थिक करूँगी, मुझे थिक पसंद है, मिल्क इतना नहीं पसंद है इसमें। तो उसके बाद हमारी सेवैयाँ तैयार हो जाएंगी, जैसी भी थी अच्छी थी, गुड थी। और हमें ड्राई फ्रूट्स इतने पसंद नहीं है तो हमने नहीं डाले। और उसके बाद प्लीज़ मेरे लिए, हम मेरे पापा के लिए दुआ कर दिया करें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई पता नहीं होता किसके मुंह की दुआ निकल जाए, कोई कबूलियत का वक्त हो और दुआ कबूल हो जाए। टेक केयर ऑल ऑफ देम, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। और आगे मैं अपनी फैमिली की एक छोटी सी पिक्चर शेयर करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ओके बाय।